वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एमसीक्यूज मेंटोर। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए डेली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाते हैं जो आपके जनरल नॉलेज में मज़ीद इजाफा करते हैं। आज भी हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाए हैं जो आपकी जनरल नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा इजाफा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर वन, क्या कोई ऐसा है जो कैचअप नहीं यूज़ करता? और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैचअप के बारे में। जो कैचअप सबसे मशहूर है, हिंट्स कैचअप। हिंट्स कैचअप के ऊपर लिखा होता है 57 वराइटीज़। असल में इसकी 57 वराइटीज़ नहीं है और कभी नहीं थी। कंपनी बानी एच जे हिंट्स ने अपनी मसनूआत के बारे में सोचा कि एक नंबर होना चाहिए और उसे 57 पसंद आया और उसने ऐसे ही 57 ऊपर चिपका दिया, जैसे कि इसकी रियल में 57 वराइटीज़ हैं। फैक्ट नंबर टू, जब कभी बच्चों का नेम आया तो साथ में खिलौनों का नेम लाजमी आया, क्योंकि बच्चे हों और खिलौने ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्यों, आप बताएं कमेंट में कि आपके बच्चे या आपके छोटे बहन भाई खिलौनों से नहीं खेलते। और अगर बात आए बारबी डॉल पे, तो बारबी डॉल कोई ऐसा दुनिया का बच्चा नहीं होगा जिसके पास बारबी डॉल नहीं होगी। बारबी डॉल तो है, लेकिन बारबी डॉल का रियल नेम नहीं पता। बारबी डॉल का रियल नेम अगर जान जाएं तो बच्चे कहेंगे नहीं, बारबी डॉल ही अच्छा है। चलें, बारबी डॉल की इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताते चलूं, बारबी डॉल का पूरा नेम बारबरा विलोस विल्सन रॉबर्ट्स है। इनकी सालगिरह 9 मार्च 1959 है, जब वो सबसे पहले न्यूयॉर्क के खिलौना मेले में दिखाया गया था। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है जिसमें बहुत सी कंट्रीज़ हैं। इनमें एक कंट्री चाइना है। चाइना का नाम सुनते ही आपके जहन में चाइनीज़ पीपल आ गए होंगे, क्योंकि चीन के लोगों की छोटी आंखें और पुरकशिश जिल्द से तो हर कोई वाकिफ है। इनको दूर से देखकर ही पहचान लिया जाता है कि ये लोग चाइना के हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि चीन में हर साल तकरीबन 40 लाख पीलियों को पकवान के तौर पर खाया जाता है। अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।